अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शामिर अली एंड वेलकम टू वेब्स डायरेक्ट। आज हम आपके लिए जिस डिवाइस का रिव्यू लेकर आए हैं वो है गीक वेब की T200 डिवाइस। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम इसके बॉक्स पर देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन है। बॉक्स के फ्रंट पे वही गीक वेब की ब्रांडिंग, गीक वेब T200 ब्लैक कलर की हमारे पास, ब्लैकिश ग्रीन कलर में हमारे पास ये किट मौजूद है। इसमें आपको मिलेगी 0.515 की एक कॉयल जो कि ऑलरेडी इसमें बिल्ड इन होगी, और जो सात स्पेयर आपको दी जा रही है 0.4 की है जो कि परफॉर्म करेगी 50-60, और 0.15 वाली करेगी आपकी 70-85 तक। तो डिवाइस देख लेते हैं क्विक रिस्पॉन्स इसका क्या है। हमारे पास बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास है यूज़र मैनुअल, उसके बाद है हमारे पास डिवाइस। भाई साहब, देखने में तो बहुत बड़ी है लेकिन स्पेसिफिकेशंस इसके सुना है कि बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स सी के डिवाइस क्या है क्या नहीं। डिवाइस आप देख सकते हैं, और डिवाइस जो है फुल 2.4 टच डिस्प्ले के साथ है, और टच इसका अभी हम चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं है। बाकी बॉक्स में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ आता है। ओके, बॉक्स में हमारे पास उसके बाद है जेड मैक्स का टैंक जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला टैंक है अभी तक का, और बाकी इसके बॉक्स में चार्जिंग केबल है, और बाकी टूल किट है, और बाकी इसकी एक एक्स्ट्रा ग्लास आपको मिल रहा है, साथ एक्स्ट्रा कॉयल मिल रही है, और बाकी इसकी शॉप जो एसेसरीज़ हैं रबर्स वगैरह जो कि आप बाद में अगर इन केस गुम हो जाती है तो आप लगा सकते हैं। डिवाइस की तरफ अगर आएँ तो डिवाइस जो है शॉक प्रूफ बनाई गई है क्योंकि इसके ऊपर रबड़ लगाई गई है चारों तरफ। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा रबड़ है, और डिवाइस आप लीक प्रूफ भी बोल सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, और करंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि डिवाइस बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड की गई है। बाकी इसमें दो बैटरीज की जगह है, एक चार्जिंग केबल के लिए आपका साइड पे दिया गया स्लॉट, फायर बटन, और अनलॉक के लिए, लॉक अनलॉक के लिए एक बटन दिया गया। तो चलें अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि फ़ीचर्स इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं जिसमें आपको थीम, वॉलपेपर और वॉट्स वगैरह सब कुछ जो है मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या सीन है इसका। तो अब हम बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की कि क्या इसमें फ़ीचर्स हैं और क्या इसका टच डिस्प्ले है, जो भी इसका सीन है वो हम चेक करते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक मेन चीज़ ऐड कर दूँ कि डिवाइस एक लेदर कोटिंग के साथ बनाई गई है जो इसके हैंड फील और लुक्स को बहुत क्लासिक लुक दे रही है। तो चलिए बैटरी डाल के देखते हैं कि अब अच्छा बैटरी डालने के लिए बहुत प्रोमिनेंट सी एक उन्होंने साइंस दिए हैं कि आप ताकि देख कर डालेंगे बैटरी कहाँ पे प्लस साइन है कहाँ पे माइनस है। तो अब हम डाल कर देख लेते हैं बैटरी। बैटरीज हमने इंसर्ट्स कर ली हैं, डिवाइस ऑन हो चुकी है हमारे पास, स्लाइड टू अनलॉक का ऑप्शन है इसमें, टच इसका बहुत स्मूथ है। हम इसका पेपर उतार लेते हैं ताकि हमें मज़ीद टच का पता चल जाए कि टच कैसा है इसका। डिवाइस में हमारे पास स्टार्ट में है चार ऑप्शन जिसमें है स्मार्ट पावर, प्रोफेशनल और सेटिंग। स्मार्ट पावर ये मतलब मोड्स हैं इसके, बाकी सेटिंग में से आप अगर जाकर देखें तो थीम, वॉलपेपर, ब्राइटनेस, रीसेट, पफ, क्लियर और वर्जन का ऑप्शन दिया गया। टच इसका बहुत स्मूथ है, बैक करने के लिए आपने इसको सिंपल स्वाइप करना है और वापस आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। वॉट सेट करने के लिए हमने पावर पर जाना है, पावर पर जाके हमने इसके वॉट्स पर क्लिक करना है। बाकी आप स्लाइड्स करके इसका देख सकते हैं कि 5 to 200 तक डिवाइस जो आपकी परफॉर्म करती है, सेलेक्ट करके ऑप्शन पे ओके करेंगे वॉट्स आपके एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें सबसे मज़े का फीचर जो मैं आपको इसका बताता हूँ वो है इसका थीम चेंज करना और कलर चेंज करना। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाएंगे, थीम में जाएंगे, ये इसके डिफरेंट थीम्स हैं, इसमें से कुछ एक मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब वॉलपेपर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और वॉलपेपर आपको हर थीम के हिसाब से डिफरेंट दिए गए हैं। वॉलपेपर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कोई भी एक आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे, वॉट्स आपके और वॉलपेपर आपके सेट हो जाएंगे। बाकी डिवाइस की अब हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, फ्लेवर फिल करते हैं इसके टैंक में। टैंक है हमारे पास जेड मैक्स का टैंक, मुझे पर्सनली ये टैंक बहुत पसंद है, जेड मैक्स का ये टॉप ऑफ द लाइन टैंक यूज़ किया जाता है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसका एयर फ्लो एडजस्टर जो कि टैंक के टॉप पर दिया गया है, जिसकी वजह से डिवाइस लीक प्रूफ
कहलाई जा सकती है। इसमें लीकेज का कोई ऐसा सीन नहीं होता। टॉप फिलिंग है, इजी फिलिंग है, आपने टॉप से बस इसको स्क्रॉल करके आपने इसको फिल करने के लिए आपको दो जगह दी गई हैं, किसी भी एक जगह पर फिल कर सकते हैं। बाकी टैंक इजी टू यूज़ है, कॉइल चेंज करने के लिए भी इजी सीन है इसका, स्क्रू करके आपने इसका ओपन कर लेना बॉटम और वहाँ से आप कॉइल इजीली निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कॉइल की बात की जाए तो कॉइल अभी जो इसमें लगी हुई है वो है 0.15 जो कि परफॉर्म करती है 70-85 वॉट पे, और जो दूसरी कॉइल इसमें आपको दी गई है वो है 0.4 वॉट्स की ओम की सॉरी, और वो आप यूज़ करते हैं 40-60 वॉट्स पे। तो अभी हम इसमें आपको फ्लेवर फिल करके दिखाएंगे जो कि हमारे पास है स्क्वीज्ड का वाटरमेलन। परफॉर्मेंस देखेंगे फिर डिवाइस की कि कैसी है कैसी नहीं। चलें कॉइल प्राइम कर लेते हैं फिलहाल। हम कॉइल प्राइम करने के लिए ये तरीका आप तब यूज़ करते हैं कि अगर आपको जल्दी कॉइल प्राइम करनी हो, अदरवाइज़ आप टैंक में भी इजीली फिल कर सकते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। नहीं जी, कॉइल जो है हमारी प्राइम हो चुकी है। और गीक वेब के टैंक की जेड मैक्स की अगर बात की जाए तो इस टैंक ने आज तक कभी डिसअपॉइंट तो नहीं किया, तो आज भी यही उम्मीद रखते हैं इससे कि ना करे। चलें लगा कर देखते हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी और क्या इसकी फ्लेवरिंग और हिट होगी। ओके, तो साइड पे हमें जो दिया गया है वो इसका एक लॉक अनलॉक बटन है, लॉक करने पे फायर अनलॉक हो जाएगा और टच भी आपका काम नहीं करता। तो अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद आपने इसको स्लाइड टू अनलॉक करना है। वॉट्स एडजस्ट कर लेते हैं कि हम कितने वॉट पर डिवाइस पिएंगे। न्यू कॉइल हमने एक्टिव किया तो उसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास वॉट्स का ऑप्शन है। वॉट्स जो हैं आपकी ये 85 तक परफॉर्म करेगी, लेकिन हम अपने हिसाब से जितने पे आप पी सकते हैं नॉर्मली 45 पर रख के देखते हैं। चलें डिवाइस बहुत ही क्लाउडी है और फ्लेवरिंग बहुत ही रिच और प्रोमिनेंट फील के साथ है, और क्लाउड इसका बहुत बेहतरीन है आपके सामने है, और बहुत ही डेंस क्लाउड जिसको आप बोल सकते हैं। क्लाउड चेजर्स के लिए ये डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस हो सकती है, और शशके भी इस डिवाइस के पूरे पूरे हैं। क्लाउड इसका बहुत मजे का है और फ्लेवरिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, और ये अभी मैं 45 वॉट्स पे पी रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका क्लाउड डेंसिटी भी बढ़ेगा, फ्लेवरिंग भी बढ़ेगी और हिट भी अच्छी आएगी। मजीद आपको अगर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रॉम वेब सेलेक्ट। अल्लाह हाफिज़।